अर प्रेम की गली में ओ ये वाह माहौल को समझते माहौल को समझते सपा नकल हो सकते बराबरी नहीं हो सकती। हाँ छोटा बंडल प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे यही मंशा तो हमारी भी है। कलियां ना मिली तो उसे कांटों से सजाएंगे। आदरणीय हमारी भी इच्छा थी क्या बात कि हम घर में अपने झूमर लगवाते लेकिन मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? काहे के लिए काश मेरे पास भी जो पैसा होता तो जैसा चाहते फिर वैसा हो। और तो हम लोग भी पिचकारी ले लेते हैं त्योहार में लोग त्योहार बना रहे हैं। और हम मिश्रा जी के आदेश पे यहाँ गाना सुना रहे हैं। हाँ बिल्कुल हम लोग शोर मचा रहे हैं। बस कारण यही है मिश्रा जी काश मेरे पास भी जो पैसा होता जैसा चाहिए क्योंकि होली का समय चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वो तो सब लोग जानते हैं। और क्या होली का समय चल रहा था परम आदरणीय हमारे मिश्रा जी के बड़े भाई उनकी ओर से ये विमल मिश्रा के लिए कमलपुत्र मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप है। नमन है बंधन है आशीर्वाद की कामना है। हो बढ़िया लगे रहो मिश्रा जी लगे रहो। भगवान भोलेनाथ की शादी के कुछ ही दिन हुए थे। अच्छा और मिश्रा जी अपने यहाँ एक परंपरा है कि जब शादी लड़की की होती है तो चार दिन बाद चौथी का कार्यक्रम होता है। बिल्कुल 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 चौथी का कार्यक्रम होता है। चार दिन बाद वो लड़की अपने मायके आती है ससुराल से। और ये एक शुक मुद्राएं राकेश द्विवेदी के मामा के लड़के सुनील मिश्रा उनकी ओर से पुनः एक शुक मुद्राएं हैं। ये विमल मिश्रा उन्हें नमन करता है। माता पार्वती भी अपनी ससुराल से मायके आई और जब लड़की ससुराल से मायके आती है तो और जब पहली बार आई हो तो उसकी कुछ शैलियां होती है। माँ पार्वती की भी दो शैलियां थी जया और विजया। ओम हरि ओम हरि ओम समझते रहिएगा भैया बात उन्हें कहना समझ नहीं आया। दोनों शैलियां भवानी से मिली और ससुराल का हाल जानने लगी। हाँ ऐसे धुआं उठ रहा था। सखियों ने कहा मैंने सुना है क्या शैया तेरे भूत के राजा क्या बात है यार
साथ कोई नहीं बजा पाएगा। जया और विजया ने पूछा, बहन बहन सैया तेरे भूत के राजा और तू राजा की रानी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। धन दौलत की कमी नहीं, न कोई परेशानी है। बिल्कुल। एक बात और पूछी, क्या आदरणी बहन? बहन जी कितने जेठ जठानी, कितना बड़ा परिवार है? हाँ बताओ एक एक करके नाम। कैसा व्यापार है? कितने जेठ जठानी, कितने देवर वा देवरानी है, कितने नौकर चाकर और कितनी नौकरानी। हाँ सब पूरा हाल बताओ। जब ऐसा दोनों सहेलियों ने पूछा हाँ? तो माँ भवानी कहने लगी, कहाँ पड़ी हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अरे ना सैया राजा महाराजा और ना राजा की रानी हो, और धन व संपदा पास नहीं फिर भी शिव की दीवानी। फिर भी शिव की दीवानी हो, फिर भी शिव की दीवानी हो। भवानी ने कहा, क्या कैसे कटेगा जीवन मेरा, हाय 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 हाय, कैसे कटेगा जीवन मेरा और शंका में समानी हूँ। औरों की कहानी क्या जानूं, मैं खुद ही एक कहानी। हे वाह भाई वाह, क्या बात है मिश्रा जी, इसी बात पे ले उठे। और ये 51 पद मुद्राएं परम सम्मानी कुलदीप जी मिश्रा उनकी ओर से आई है। भवानी बोली, और रोगी कहानी क्या जानू, मैं खुद ही एक कहानी हूं। आप पैसे की बात करती हो, राजा महाराजा की बात करती हो, हाँ सुनो है कैसे हमारे पिया। बहन समझते रहिए, जिस घर की जोरी न ताला होगा। जाते हैं जिस घर तिजोरी का ताला होगा, सैया कैसे पैसे वाला हो। परम सम्मानी श्री वीर बहादुर सिंह चंदेल उनकी ओर से आई है, उनके परिवार की ओर से आई है। बिल्कुल। भवानी बोली, अरे मरघट पे दिन रात फेरता माला होगा, अरे मरघट पे दिन रात फेरता माला होगा, जिस घर तिजोरी नाता होगा, सैया कैसे पैसे वाला। एक बात और गई पार्वती ने, बहन और मेरे बिया के संगी साथी, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये है बाबा जी का डमरू, आराम से बजाओ आराम से। बम बम बम
भोले हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती बोली मेरे बिया के संगी साथी भूत प्रेत मतवाले हैं, शुक्र शनि चर दुई पेटू, शुक्र शनि चर दुई पेटू जो चौवन खाने वाले चौवन खाने वाले चौवन खाने वाले और का बनाए बनाए थक जाती हैं, समझते रहो भैया। और जो मेरे स्वामी हैं, अरे अपने घर की नहीं है चिंता, अपने घर की नहीं है चिंता, अरे ऐसे मेरे घर वाले हैं। पार्वती कहने लगी अरे रहते मस्त नशे में हरदम, क्योंकि पीने खाने वाले पीने खाने वाले पीने खाने वाले क्यों जिस घर नशे का बोलना वाला होगा। बहन पार्वती बोली जिस घर नशे का बोल वाला होगा, सैया कैसे पैसे वाला होगा, होगा। अगली और अंतिम बात आती है, एक बात कही पार्वती ने, हाँ। एक चीज की वहां कमी नहीं है, ये बात समझते रहिए भैया, एक चीज की कमी नहीं है, हाँ। पानी की आजादी जहाँ जितना फैलाओ, हाँ कोई टेंशन नहीं है, कोई बिल नहीं आएगा, बिल्कुल। पानी की आजादी चलता जटाओं से बोर है, डम डम का है शोर वहाँ, बम बम का भी शोर है, अरे बम बम का भी शोर है, बम बम का भी शोर है। और एक बात और गई क्या, भाला छाला प्याला तीन बातों का ही जोर है, अरे इनके साड़ू के हाथों, बताओ साड़ू तक। और बम्भोले द्विवेदी, बम्भोले द्विवेदी उनकी ओर से एक शत मुद्राएं हैं, समझिए भोलेनाथ के पास। पार्वती बोली क्या बात है, इनके साड़ू के हाथों बिजली की बागडोर, बिजली जाती ही नहीं है, चंद्रमा जो मस्तक पे विराजमान है वहां बत्ती कभी नहीं जाती, ना ना इन्वर्टर की जरूरत है नहीं। और ये श्याम कमल अनजाने पार्टी दादाजी की ओर से ये 51 पद मुद्राएं हैं, ससंकेत माता रानी सदैव आप पर आपके परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें। इनके साड़ू के हाथों बिजली की बागडोर, भवानी बोली क्या, जहाँ रिश्तेदार करता उजाला होगा, जहाँ रिश्तेदार करता उजाला होगा, सैया कैसे पैसे वाला होगा।
ये रहा। आइए बिमल भैया उसका भी प्रयास करते हैं। और प्रेम की गली में एक सुंदर सा घर बनाएंगे। कलियाना भी लेना सही कांटों से सजाएंगे। और झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, तुझ परस का सावन होगा। किसी घर तिजोरी का ताला होगा, सैया कैसे वो पैसे वाला होगा। ये बहुत बढ़िया। जया विजया ने पूछा माता पार्वती से कि कितने तुम्हारे जेल बिठानी है, नौकर नौकरानी कितने हैं, धन दौलत क्या है। तो माता ने कहा ना मेरे पास कुछ है और ना नौकर है ना नौकरानी है, बल्कि जिस घर में ताला कुंजी नहीं होगी तो उसका सैया पैसे वाला कैसे हो। आपके भाव सिर्फ ये है। बिल्कुल। अच्छा, जिस घर में ताला नहीं होगा उसे पैसा नहीं होगा। हमारे घर में तो गांव से लेकर आज तक कानपुर तक कहीं ताला पड़ा ही नहीं, ना, ना, तो क्या पैसा नहीं होता है? क्यों नहीं, ये अपनी भी सोच है। जिनके घर के लड़के चोर होते हैं वहां ताला होता है, और जिनके घर के लड़के चोर नहीं होते वहां ताला कुछ ही नहीं होता। ना, 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 ताला जरूरत नहीं। कुछ लोग तो गांव डायरी चुरा ले जाते, इसलिए ताला लगाना पड़ता है। लेकिन ताले की आवश्यकता भोलेनाथ की आन नहीं है। जया विजया से बात हो रही है, विमल भैया वहीं पर वार्ता हो रही है। हाँ, और जब ये वार्ता सुनी तो पहुंच गए नारद जी। ये नारद जी पहुंच गए। अरे पार्वती, ये क्या कह रही हो, ये क्या कह रही हो? जिस घर में ताला कुंजी नहीं होगा उसका सैया पैसे वाला कैसे होगा? तुम्हारे घर में पैसा नहीं है? अरे पार्वती, भूल कर रही हो, ये तुम्हारे यहां तो बहुत कुछ है, थोड़ा ध्यान से देखो तो कैसे। एक बार भोलेनाथ से मन चल गई माता पार्वती। भोलेनाथ ने एक जटा का बाल दिया और बोले जाओ इसी के बराबर जाकर के लक्ष्मी कुबेर के यहां से धन ले आओ। माता गई कुबेर से, कहा हमें धन दे दीजिए इस बाल के बराबर। बोले बाल के बराबर? बोले हाँ। एक पलड़े में, तराजू के पलड़े में एक भोलेनाथ का बाल रखा गया और एक में कुबेर जी ने धन रखा। धन चढ़ाते गए लेकिन बाल भारी है। कुबेर जी ने पूरा धन चढ़ा दिया लेकिन भोलेनाथ का बाल फिर भी भारी है। ये कुबेर जी ने लक्ष्मी को बुलाया और उस पलड़े में रख दिया, भोलेनाथ का बाल फिर भी भारी है। ये अब बताइए भोलेनाथ क्या गरीब हो सकते हैं? ना, 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 हो सकते हैं? कभी नहीं। सुनेगा नारद जी कह रहे पार्वती, हे देवी जी, अरे अजर अमर वो अपना सी जो
अजर अबर अजर अबर वो अविनाशी जो आपसे प्रीति लगाए हैं। अरे भोले शंकर कैलासी, अरे भोले शंकर कैलासी, सब दौलत उनसे पाए है, दौलत उनसे पाए है, दौलत उनसे पाए है। एक बात मान लो, जो लोगों में ऐसा कोई देव नहीं है, देव तो सभी है, कोई महादेव है क्या ना? सबके दुई दुई डैना कंडो के तीन है क्या ना? इसलिए कहना पड़ा तीनों लोगों में ऐसा भोला बाला होगा, तीनों लोगों में भोला बाला होगा। और पार्वती, सैया बड़ा है तेरा पैसे वाला, आपकी पंक्ति कर रही है, सैया कैसे होगा पैसे वाला? मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी पंक्त कह रही है, तीनों लोगों में भोला भाला होगा, सैया बड़ा तेरा यहाँ। आराम से बैठे, आराम से। तीनों लोगों में ऐसा, तीनों लोगों में भोला भाला होगा, सैया बड़ा ही पैसे वाला हो। एक पालकी की मत जिनकी कोई जान न पाए है, एक बालकी की मत जिनकी कोई जान न पाए है, लक्ष्मी तुल जाए हजी, सब लक्ष्मी तुल जाए पर उनसे पार न पाए है। भोलेनाथ की एक जटाओं के बाल से पार नहीं पा पाई लक्ष्मी, कुबेर जी का पूरा धन चढ़ गया। स्वयं भवानी स्वयं लक्ष्मी तुल जाए पर उनसे पार न पाए हैं। तो भक्तों का भोला दुष्टों का भाला होगा, ये वो भोलेनाथ भक्तों के लिए भोला, दुष्टों के लिए भाला। समझते रही ना भैया, भक्तों का भोला दुष्टों का भाला होगा। Yeah! Yeah!